ये है हमारा चावल जो कि अच्छे से भीग चुका है और करीबन 2 घंटा हो गया इस चावल को, अब इसको पीसेगा। तो ये है मिसिंग लोगों का किचन, नीचे चूल्हा है, यहीं खाना पकता है, इधर ही पकाते ना खाना, ऊपर बर्तन वर्तन रख रखा है, ऊपर कुछ मीट भी रखता हुआ ना सुखाने के लिए, जैसे मच्छी हो गया, मीट हो गया, वो है नीचे सारा, वो है कुछ भी प्याज व्याज काटते नीचे चले जाते हैं। हाँ, तो ये शॉर्टकट है। बाकी यहाँ गैस चूल्हा भी रखा है, बहुत कम यूज करते हैं, जल्दी जल्दी में तो ये है, ये रखा हुआ है सब्जी हब्जी वगैरह, फिल्टर, ये फिल्टर पानी है, देखो ये सारा सब्जी हब्जी रख रखा है इधर, और नीचे में मुर्गी लोग घूमता है इसके नीचे, बम्बू के नीचे ठंडा पानी आता है। और ये है बर्तन धोने वाला जगह, काफ़ी अच्छा ये है। तो इस तरह का होता है आपका ट्रेडिशनल किचन। ये मटका, इसमें क्या रखते हैं पूरी, इसके अंदर लाव पानी रखते हैं। अच्छा, लाव पानी, इसमें वाइन रखते हैं, लोकल वाइन जैसे जार रक्सी में, हाँ बना के रखे है। अच्छा, ये है नीचे चूल्हा, ये गीला चावल था और इसको हमने गीला चावल नहीं है, ये बोरा चावल, बोरा चावल गीला हो गया ना पानी से, ये इसमें कूटा जा रहा है, इससे कूटा जाता है यहाँ सिलबट्टा इलबट्टा मिक्सी से नहीं, ये कल्चर है यहाँ का, मिशिंग का चला है। एकदम पतला पतला हो जाएगा ना, ये पाउडर बन जाएगा। कहे चावल पीस चुके हैं, रेविता में चलेगा तो रेवी तो कुछ देखो भी तो মরমরে খুবা তাতে বই যাই মোর আবেগরা দেহ রঙে অঙ্গে তোমার মরমরে খুবা তাতে বই যাই মোর আবেগরা না যাবা দূরে তুমি থাকিলে তুমি চকুৱেৰ লাগি চাব। ফাইনেলি ইয়াত নাৰিকল और क्या डाला है, कुछ नहीं डाला, बस नारियल को फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा भूरा हो जाएगा, पीठा के अंदर डालेंगे, साथ में इसमें चीनी डालेंगे और क्या डालेंगे, नारियल, नारियल हो गया, चीनी हो गया और तिल, ये डाल के फिर पीठा के अंदर डालेंगे और ये तवा चढ़ाएंगे इसका। चावल का पेस्ट सूखा है चावल, ऊपर से डाला हमने नारियल चीनी का, नारियल और चीनी का हमने डाला हमने इसका, आराम से हो गया ये पिठा, हल्का हल्का फोल्ड करेंगे इसको,
अभी हमारा पीठा साइड से हल्का सा दबा देंगे ताकि जो अंदर का स्टफ है वो बाहर निकल ना पाए। हमारा चावल तो आग को हमेशा थोड़ा थोड़ा ही रखना है ताकि जो पीठा है जले ना।